हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हों और हम भी सब बहुत अच्छे हैं। तो ये खाट मुझे बाहर निकालनी है, ये अंदर डाल रखी थी। शाम को रात को वो विजय और संजय वो देखते हैं ना टीवी, तो यहीं डाल रखी थी उन्होंने। अभी सब बाहर निकाल लूँगी मैं, बाहर झाड़ू लगाने के लिए आई है। और आज फिर वही बारिश का मौसम हो रहा, सुबह से बारिश हो रही है। और आज दोनों में से कोई से बच्चे भी स्कूल नहीं गए, क्योंकि स्कूल का कुछ बस कहीं बाहर जानी है कोई घुमाने उमाने के लिए, तो इन्हें जाना नहीं था तो ये नहीं गए हैं। आज दोनों बाहर ही है और हम नहा धो के आ लिए हैं अपने। अभी करेंगे फिर नीचे झाड़ू उड़ू, पहले झाड़ू लगाएंगे, फिर उसके बाद पोछा लगाएंगे और फिर उसके बाद करेंगे बाकी के काम। तू बिस्कुट लाया ना, देख टफी का मुँह, देख टफी का उस तरफ मुँह था, उस तरफ घूमू था टफी का, अरे एकदम से बदल गया, इस तरफ बैठ गया। रैक्स को भी तू ऊपर रखा, रैक्स लाओ मुझे, तो मैं देखाऊंगी रैक्स को, देखाऊंगी दो कोई सा दे दे भाई, ओ भाई रैक्स सीधा मुंह में ले बे, रैक्स जिन्ने में बैठा। ओ फ्रेंड्स, आज ना सुबह से बारिश हो रही है, तो खाना तो ना खा लिया था, लेकिन अब ना फिर दोबारा सब भूख लगी। कह रहे मम्मी कुछ बना लो, नमकीन वमकीन बना लो, कुछ चाय बना लो। तो अब मैं देख रही क्या बनाऊँ, दाल चावल बना लो थोड़ी सी है। और क्या देख रहा, क्या बनाऊँ, कुछ भी कुछ नहीं है, बेसन रखा हुआ, थोड़ी सी दाल चावल बनाऊंगी चाय के साथ, चाय बना लूंगी, चाय ले लूँगा। पर आएंगे नहीं अभी, मैं पहले ना इनको बनाने की तैयारी कर लूँ थोड़ा सा। ओ फ्रेंड्स, ये ना लेके आए थे बच्चे मूंगफली थोड़ी सी, तो बोल रहे थे कि मम्मी मूंगफली फ्राई कर दो इसे, मतलब थोड़ा सा घी में भून के नमक से लगा के नमक से की बना दो इसे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं इसे बेसन में बना रही हूँ, बेसन में कवर करके इनको। तो जितनी मूंगफली थी वो मैंने सारी छील ली हैं और छन्नी में करके उन्हें धो भी लिया है। तो अभी कर लेंगे हम एक कटोरी में जो है बेसन, 3-4 चम्मच बेसन डालूँगी मैं, और 1 चम्मच डालूंगी जो है चावल का आटा, और उसमें ही फिर नमक मिर्च गरम मसाला चाट मसाला और हल्दी थोड़ी सी, ये सारे मसाले मिला करके इन सबको अच्छे से बेसन में जो है मिक्स कर लेंगे। और फिर क्या है, और इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसमें फिर जो मैंने मूंगफली की गिरी है धोई थी इन्हें भी इसमें डाल लेंगे, अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। सबसे बाद में डालूंगी इसमें नमक जितना भी हमें चाहिए होगा, और अच्छे से इन्हें जो है हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे। और जो से जो थोड़ा सा हमें लग रहा है कि थोड़ा सा सूखा सूखा है, तो उसमें एक थोड़ा थोड़ा करके ही एक चम्मच तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा एक चम्मच पानी डालते रहेंगे और सिर्फ उसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, जिससे कि वो ऐसा कोट बन जाए जो मूँगफली की जो गिरी है उसके ऊपर आराम से वो कवर हो जाए उसे गिरी उसके अंदर। तो ये मैंने रख कर लिया है, पैन में मैंने रख दिया है, तेल चढ़ा दिया है गैस पे, तब तक वो हमारा गर्म हो जाएगा, तब तक हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। लास्ट में मैंने थोड़ा सा एक चुटकी को जो खाने वाला सोडा है वो भी डाल लिया है, और उसे अच्छे से इसमें मिला करके, और जब मैं इसमें डालूंगी ये तो जो झरर है थोड़ी सी उसमें करके उसमें ले लेके ही इसको डालूंगी। ऐसे हाथ से डाल लेंगे तो वो सारा एक जगह ही मतलब इकट्ठा एक जगह ही हो जाएगा, सारा एक जगह इकट्ठा, तो झरर से लेके उसे हिला हिला करके, जिससे कि वो एक गिरी उसमें आराम से गिरती रहे, तो उस तरह से इसमें डालनी है। और उसे फिर हम हल्के हल्के फ्लेम पे उसे तलेंगे अच्छे से, और जब वो थोड़ी सी कुरकुरी हो जाए ना तब उसे उतार लेंगे। और जो हम चावल का आटा डालते हैं वो थोड़ा सा इसीलिए डालते हैं जिससे कि जो हमारा ये ऊपर बैटर इसमें चिपक का है वो थोड़ा सा कुरकुरा सा हो जाए, इसमें मतलब नमकीन वाला फीलिंग आनी चाहिए हमें। तो वो अच्छे से भुन चुकी है, मैंने वो निकाल दी है, एक बार और डाल लूँगी। और मूँगफली गिरी है थोड़ी सी मंगाई थी मैंने, आज पहले बना के देखी है ये, और ये आज मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, तो देख रही थी जो अच्छे से बन गई, तो फिर अगली बार जो हम मंगाएंगे ज़्यादा मंगा लेंगे और फिर थोड़ी सी ज़्यादा ही इसको बना लेंगे। तो आज सिर्फ बच्चे टेस्ट करेंगे, तो जो दाल से बनाऊँगी वो भी चाय के साथ, और ये मूँगफली गिरी जो बनाई है बेसन वाली वो भी। और अभी मैं कर रही हूँ तेल हमारा ऐसे कैसे गरम का गरम है, फ्लेम जो है मैंने लो कर दिया है बिल्कुल। तो अभी मैं एक कटोरी में बेसन ले रही हूँ, जो बाकी बचा हुआ बेसन था सारी, उसमें भी हल्दी नमक मिर्च गरम मसाला चाट मसाला
और ये सारी चीज़ें नमक वगैरह इसमें डाल करके उसे भी अच्छे से एक जगह मिक्स कर लेंगे। और उसमें भी मैं एक चम्मच जो है जो चावल का आटा है वो भी डाल लूँगी, ताकि थोड़ी सी कुरकुरी सी बन जाए वो भी, क्योंकि चावल के आटे से क्या है थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाता है किसी भी चीज़ में। तो उन सबको डाल करके अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और एक पन्नी का जो है मैंने कोन सा बनाया हुआ है और नीचे से बहुत बारीक सी वो काट ली है मैंने, और तो उसमें सारे बैटर को पन्नी में भर करके और उसकी एक कीप सी बना लेंगे। मैंने पूरा बैटर जो है पन्नी में भर लिया है, कीप टाइप बन गया है वो सारा जो है। मैंने पहले बहुत छोटा सा ही जो उसका आगे से छेद है वो बहुत छोटा सा ही करा है, जिससे कि भी एक बार चेक करूँगी ज़्यादा बारीक होगा तो थोड़ा सा उसे और काट लूँगी आगे से। तो अब मैं इसमें डालना शुरू कर रही हूँ। और इसमें क्या है, काफ़ी पुराना रखा हुआ था ना, तो कुछ थोड़ा सा मोटा मोटा सा इसमें बार बार अड़ से जाता है, जैसे कीप में बार बार रुकावट सी आ जाती है, इस तरह से इसमें अड़ रहा है। तो मैं इसे बार बार इसे ढीला कर करके ऐसे डालने की कोशिश कर रही हूँ। और ये अच्छे से चल चुकी है। अभी सारी जो है दाल चावल हम इस तरह से बना लेंगे, बिल्कुल जिस तरह से जलेबी बनती है ना उस तरह से मुझे हाथ घुमा घुमा के बनाना है। और पूरा बड़ा एक साथ में पूरा बड़ा चक्कर बन जाएगा, उसे अच्छे से कुरकुरा होने तक हमें तलना है और फिर इसे उतार लेंगे। और ये जो है मतलब गरम गरम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसे उतार कर रख लो, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। थोड़ी ठंडी होने के बाद ही ये कुरकुरी होती है, ये साथ के साथ नहीं खाई जाती। थोड़ी सी रखने के आध पौन घंटे बाद या एक घंटे बाद खाए ना तो इसमें बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आता है। कभी बना कर देखना, बहुत ही टेस्ट आता है, चाय के साथ बहुत मस्त लगती है ये। सारी नमकीन मैंने बना ली थी, मूँगफली वाले भी और दाल सेल वाले भी। चाय मैंने अच्छे से गर्म कर ली है, चाय अलका ने बना दी थी इंडक्शन वाले चूल्हे पे तब तक, और तो चाय भी मैंने गर्म कर ली है। और मम्मी के पास आई हैं बाहर ताई जी, तो सबसे पहले ताई जी को और मम्मी जी को देते हैं चाय और सारी चीज़ें और टेस्ट कराते हैं, पूछते हैं ताई जी से कैसे लगे, ताई जी कैसी नहीं। तो मैं ताई जी के लिए लेके आ गई हूँ चाय। और ताई जी एक पोलोथीन में जो है एक जैकेट लेके आई है, जो ताई जी जैकेट बुन रही है, तो उसमें जो ताई जी को है वो जो जैकेट बुननी है वो थोड़ी सी हुड टाइप में बुननी है, मतलब उस जैकेट में ऊपर कैप भी बनानी है ताई जी को। तो ताई जी मेरे पास लेके आई थी कि मैं, क्योंकि मैंने किस इस तरह की काफ़ी सारे हुड निकाले हुए हैं, ताई जी कह रही थी कि मुझे बता देना एक बार कितने इसमें फंदे उठेंगे कितने नहीं। तो मैंने आप से पहले ये नहीं बुनी है इस तरह की, तो मैं बोल रही हूँ पहले आप चाय पियो, उसके बाद आराम से बैठ कर बात करेंगे, फिर मैं देखूँगी आराम से और फिर मैं आपको बता दूँगी कि इसमें क्या क्या होना है। और ताई जी बोल रही कि तूने ये सामान मुझे ला के दे दिया, लेकिन मेरे ना जाड दांत नहीं है, ताई जी के जबड़ा नहीं है, ताई जी के सारे जाड दांत निकले हुए हैं। तो ताई जी बोल रही कि मुझसे ये चबने के नहीं बिल्कुल भी। और मम्मी जी बोल रही है कि बच्चों को बुला ले, वो काफ़ी देर से कर रहे थे, वो भी टेस्ट कर लेंगे एक बार। मैनू कह रही आज खेलियो ना, सार में ज्यादा गिल्ला हो रहा, आज कभी रपटो और गिरो और हाथ पैर तुड़ो, ओए अरे से तो बड़े कपड़े कुपड़े से उड़ा रखे, इसे क्यों उड़ा रखे कपड़े कुपड़े से, देखो मैं देखियो तेरे बस नहीं करता, अभी को वंश करेगा, वंश करिए तेरे से क्या है भाई सर? पता नहीं इसका मतलब कम ना गले में तो इसकी आवाज की ऐसी लगा बिल्कुल, तो आ बस बग भी आ कर नु खोल के ये पूरा हां इसका हाथ पकड़ लेगा, करिए फिर ये कर दो, ओए ओए काट लेगा अभी कभी नहीं, नहीं बेटा नहीं, तब तो ऐसे गुस्सा तो आ रहे भाई, अब फिर इसकी गलती हो जाएगी काटने की। हां 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 बैठ जा ऐसे बैठ जा बैठ जा। देखिए तुझे ना कह रही मैं भाई, आज ये सारी लकड़ी रख रहे हैं अंदर, इसमें जिसमें कल उपले रखे थे इसी में अंदर लगा रहे हैं लकड़ी, कल ना वार हो गई थी बहुत ज़्यादा, ये उपले लग पाए थे अंदर, तो आज लगा रहे हैं सारी लकड़ी, ये सारी पाड़ के ना इसमें टीन में यहाँ लगा रखी थी। और थोड़ी थोड़ी ले जाओ, थोड़ी थोड़ी सी
पर थोड़ी सी ले दो संजय, बहुत मोटी हो। हाँ ये सारी इसी में लगा देंगे, सारे कमरे में अंदर। और फ्रेंड्स अभी बन रहा है हमारे यहाँ शाम का खाना, और शाम के खाने में बनाई है हमने आज मूंग मसूर की दाल, और मैं साथ में लेके आई हूँ चार। और मैं आज ना दाल भी और सारे बर्तन भी सब इधर ही लेके आ गई हूँ, क्योंकि बार बार ना बारिश हो रही है, फिर मुझे उतनी दूर से जो अंदर जो किचन है हमारे उसमें से सारा सामान लाना पड़ता है, तो उसमें आने और जाने में ना बिल्कुल गिल्ले हो जाते हैं। तो मैं सारा सामान यहीं पर लेके आ गई हूँ चूल्हे आगे, और यहीं पर सब बैठे हुए हैं, खाट भी है, एक मुड्ढी कुर्सी सब यहीं पर बैठे हुए हैं। तो यहीं के यहीं खाना बन रहा है, और यहीं के यहीं हम सबको देते रहेंगे खाना। तो अभी अलका बना रही है, मैं सबको डाल डाल के दे रही हूँ, और बाकी सब बैठ के खा रहे हैं। और फ्रेंड्स आप भी आ जाइए, खाइए, टेस्ट करके बताइए। और मूंग मसूर की दाल ना ठंडे मौसम में काफ़ी अच्छी लगती है। शाम का सबका खाना हमारा हो चुका है, और मम्मी जी को भी मुझे देनी है दवाई। और इधर वंश जो है अभी शाम मतलब रात को एक डेढ़ घंटा भी पड़ेगा खाना खाने के बाद, और फिर उसके बाद ही दूध आद पी के सो जाएगा। तो पहले मैं मम्मी जी को देती हूँ दवाई। मम्मी दवाई रह रही तुम्हारी अभी? हाँ मैं ला रही पानी, तो शाम की दवाई है मम्मी जी की, वो दे दो पहले। लो यो आ गया खुल कर टफी। चाय बना रही, चाय जरूर। हाँ तो चाय से ले लियो, चाय भी बन रही। तो फ्रेंड्स आज ना शाम के टाइम चाय बनानी पड़ गया हमें, क्योंकि आज सारा दूध उठा के रख लिया है हमने, और कल फ्रेंड्स हमें निकालना है मावा। तो कुछ तो निकाल लेंगे, कुछ जो है बाजार से मंगाएंगे। अब हमें मावे का क्या बनाना है वो तो हम आपको आगे आगे बताएंगे, जो भी एक दो दिन में कुछ बनेगा। तो आज किसी का भी दूध नहीं बना है, सबके लिए चाय बना रही हूँ मैं अभी। तो जिसे जिसे पीनी है, जिसे ज़्यादा दूध का होड़का साव है तो वो सब चाय ले लियो, आधा आधा कप एक कप जिसे भी लेनी। मम्मी जी भी न्यू कह रही मुझे दवाई ना चाय से दे दिए। तो मैं आई हूँ कान्हा जी का बेड निकालने के लिए, और आज ना कान्हा जी का भी कंबल निकाल लूँगी, क्योंकि ठंड हो रही बहुत ज़्यादा। तो कान्हा जी को लिटाने से पहले उनका कंबल निकाल लूँगी। आज मैंने उनका कंबल भी रख रखा था ना अंदर ही, तो वो निकाल दूँगी और फिर सुला देंगे कान्हा जी को। और फ्रेंड्स कान्हा जी का ना मैंने दो चादर बनाई हुई थी, एक तो मैं बिछा देती थी कान्हा जी के नीचे, और एक जो है कान्हा जी को उड़ा देती थी। लेकिन अभी इन दोनों चादरों का ही ना कुछ काम नहीं है, जैसे जैसे ठंड होती जा रही, तो जब बच्चों को ठंड लगती है तो कान्हा जी को भी ठंड लगती होगी। तो मैं इन दोनों चादरों को तभी रख दूँगी बेड के अंदर ही। मैंने कान्हा जी का एक गद्दा निकाल दिया है, कान्हा जी का कंबल भी निकाल दिया है, तो ये कान्हा जी के बॉक्स में रख दूँगी मैं। तकिए वगैरह सब इसी में रखे हैं, इसको कर देंगे बंद। अरे एक तकिया तो रह गया। ये मैंने कान्हा जी का गद्दा निकाल दिया, अब तो बेड पर कान्हा जी का गद्दा बिछा देंगे। मैं लेके आ रही हूँ कान्हा जी को, यहीं पे लिटा दूंगी। ये है कान्हा जी का कंबल छोटू सा, इसे लेट कर लेटेंगे कान्हा जी। ओए टफी आ लिया? तो अभी मैं पहले कान्हा जी को दूध पिला दूँ, और फिर उसके बाद कान्हा जी को लेटाऊंगी। टफी मम्मी ने दवाई लेता हूँ अपनी। मना कर दी भाई, ना जा। मम्मी लो दवाई ले। बाड़े की चीज ना है जो देख रहा था ध्यान से। कान्हा जी को सुलाते हैं ना, तो एक बार इनके हाथ भी इनके पैर भी हमें जरूर दबाने चाहिए, क्योंकि ये मेरे पूरे दिन बैठे बैठे अब लेटे लेटे थक जाते हैं ना, तो इनके एक बार थोड़ी सी देर के लिए जो है हाथ पैर दबा दो, तो इन्हें भी बहुत अच्छे से फिर नींद आ जाएगी। इनके लगा दूंगी मच्छरदानी ऊपर से, जिससे कि ठंड भी ना लगे और इनको मच्छर भी ना लगे। हमारे डॉक्टर गोपाल जो है फिर जब आराम से सोएंगे पूरी रात।
तो ये मैंने अच्छे से चारों तरफ से कवर कर दिया है जिससे कि ना बिल्कुल भी जो है ठंडी नहीं लगे। ये अब है ना लड्डू, अब जो मैं इनको बाहर ना मम्मी जी के पास ही सुला दूंगी। मम्मी जी ने कहती थी मेरे पास ही सुलाई उन्हें, तो मम्मी जी के पास सुला दी। तो फ्रेंड्स मेरा सारा काम जो है काम निपट चुका है, मुझे बस सबको चाय देनी है और फिर अपने सबके बिस्तर लगा लें। और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे करती हूँ एंड आपसे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए। वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।